नमस्कार, पोल्ट्री इंडिया टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत। और कुछ लोग जानना चाहते हैं कि झटका मीट बेहतर होता है या हलाल, और कुछ कंपनियां पैकेट पे हलाल लिखती हैं। और झटका मीट क्या है, हलाल क्या है? झटका मीट यह है कि जब जीव को एक ही बार झटके से मार दिया जाता है और उससे मांस हासिल कर लिया जाता है। हलाल में जीव को हल्का सा काट दिया जाता है जिससे वो थोड़ा तड़प के मरता है, और उससे जो मांस हासिल किया जाता है उसको हलाल मीट कहा जाता है या मांस कहा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बेहतर कौन सा है, इसमें सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि मांस का सेवन अगर करना ही है तो जीव को एक झटके में मार दें और फिर उसका मांस हासिल करें। और कुछ लोगों का मानना है कि स्वाद बेहतर हलाल होता है, और हलाल के पीछे कुछ और धारणाएँ भी हैं। लेकिन विज्ञान के हिसाब से तड़पा के मारने की विधि में खून जितना तेजी से निकलता है, झटके की विधि जो है उसमें नसें ज़्यादा कटती हैं तो खून और ज़्यादा तेजी से उसमें से निकल जाता है, और स्वाद में कोई खास अंतर नहीं आता। खास क्या अंतर का कोई किसी ने अभी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है, और अनेकों भारतीय कंपनियां भी अपने उत्पाद पर हलाल लिखकर बेचती हैं। हाँ, जरूर बेचती होंगी। भले ही भारत में बड़ी कंपनियों के उत्पाद हिंदू ही ज़्यादा खरीद रहे हों, परंतु कंपनियां हलाल पैकेट पर लिख के, क्योंकि हलाल को जो लोग पसंद करते हैं या हलाल खरीदते हैं वो हलाल ही लेते हैं, तो हलाल लिखने से कंपनियों को अधिक ग्राहक मिल जाते हैं, तो इसलिए कंपनियां उसमें हलाल लिखती हैं। अब हिंदुओं जो हैं वो झटका मीट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और हिंदुओं की भावनाओं की बात करें, यहाँ हिंदुस्तान में ये तो एक जो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी खास तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि एक तो खास बात यह कि मांस जैसे मुद्दे पे कोई भी संगठन कभी भी खड़ा हो के कभी भी कोई किसी तरह का विरोध करना ही नहीं चाहता, तो इसलिए ये भावनाएं थोड़ा नज़रअंदाज हो जाती है। कंपनियाँ इस बारे में कोई ज़्यादा ध्यान देती नहीं हैं, लेकिन अगर कंपनियाँ इस बारे में ध्यान दें कि तो उससे उनकी बिक्री अलग से अगर कुछ पैकेट वो बना दें तो उससे उनकी बिक्री बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।